ले जी, पौधों में पानी डाल दिया है। कभी कभी होता क्या है कि ऊपर आते हैं और पापा मोटर ऑन किए होते हैं टंक पानी भरने के लिए, तो वहीं से एक डायरेक्ट नल है, उसी में पाइप लगा हुआ है, तो क्या करते हैं टंकी वाला ऑफ करके वो डायरेक्ट ऑन कर देते हैं, तो बहुत जल्दी जल्दी पानी डाल देते हैं। मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगता है, उसमें हो जाता है पानी पूरा डाला हुआ पौधों में। सुबह का मौसम ऐसे ही सुहावना रहे तो मजा रहेगा घूमने में, ऐसे ही उठा करेंगे। आज तो हम उठ गए थे, लेकिन जिया को उठने में जो है बहुत ही आलस आ रहा था, किसी तरह करके जिया को उठाए हैं। देख सकते हैं वहाँ भी बैठी हुई है, वॉक कर लो आप। मेरा तो वॉक हो गया पानी डालते डालते ही, लेकिन कोई बात नहीं, आगे भी थोड़ा बहुत वॉक कर लेते हैं। अब जो इसमें भी अच्छा खासा फूल आना शुरू हो चुका है, इंतजार कर रहे हैं कब हमारा जितना भी गमला है सभी में फूल हो। धीरे धीरे करके आता है, कभी इसमें आता है, कभी उसमें आता है, कभी उसमें आता है। सोच रहे हैं कुछ और पौधा लेते आते हैं नर्सरी से। वो वाला नहीं, वो वाला उतारते। आज यहाँ पर इतना सारा ट्रॉली को उतारा गया है, जिया को आज तक नहीं पता है कि किस ट्रॉली में कौन सा कपड़ा है, और ये चीज जो अरेंज करके रखती नहीं है, बार बार हमको उतारना पड़ता है। अब आज सारा अरेंज करती है। बगल में डायरी है और डायरी में लिख लो कौन क्या रहेगा अगर याद नहीं रहता है। तो फाइनली जिया का सारा सामान हो गया अरेंज, देख सकते हैं कितने अच्छे से अरेंज करके रखा हुआ है। सभी का बन गया चिट्ठा, किसमें क्या क्या है सब बन गया। चलते हैं जी पास का दुकान, सत्तू का स्टॉक खत्म हो चुका है, साथ में ग्लूकोज भी खत्म हो चुका है, उठा करके ले आते हैं ग्लूकॉन डी। ले लिया जी सारा सामान, अब सीधा चलते हैं। 1 kg ग्लूकॉन डी के साथ हमेशा कुछ ना कुछ फ्री देता है, पिछले बार नैसिल पाउडर फ्री दे दिया था, इस बार एक शहद का बोतल दे दिया फ्री, डाबर हनी जो कि 120 रुपये का लगभग है, तो अच्छा खासा बेनिफिट है अभी तो। और गर्मी के समय तो ग्लूकॉन डी यूज भी अच्छा खासा हो जाता है, तो इसलिए जब भी लेते हैं 1 किलो वाला ही ले लेते हैं। आज इस पंखे को साफ करना है जी, यह पंखा देख सकते हैं कितना ज्यादा गंदा हो चुका है, तो जल्दी से इसको खोलते हैं, इसको खोल करके साफ करते हैं। अभी अभी जी कुछ सामान आया हुआ है, देखते हैं क्या है सामान। इसी कुछ दिनों पहले हमने ब्लूटूथ स्पीकर ऑर्डर किया था, मुझे लगता है कि वही है, एक बार खोल करके देखते हैं क्या है। क्या है इसमें पता नहीं क्या है, हमको लगता है स्पीकर होना चाहिए। यहां से कैसे, तो बहुत बड़ा है। इसका साउंड क्वालिटी कैसा है, तो जब हम एडिटिंग कर रहे होते थे तो हमारा जो पुराना स्पीकर है जी वो हो गया है खराब, मोबाइल में तो काम कर रहा है लैपटॉप में काम नहीं कर रहा है, तो अब जो है इसको ले आया है हमने और देखते हैं यहाँ काम करता है कि नहीं। यहाँ पर देख सकते हैं जी स्पीकर चल रहा है और अच्छा खासा साउंड है इसका, जैसे ही इसका साउंड शुरू हुआ वहाँ वो एक्टिवेट हो गया है ना। थोड़ा सा यहाँ लाउड होता है ना, तो ये भी यहाँ थोड़ा लाउड हो जाता है। फाइनली जी घर की हो गई सारी साफ सफाई, सारा सामान कर दिया अरेंज, जो भी चीज साफ होना था सब कुछ हो चुका है साफ, और अब जल्दी से जा करके नहाते हैं, खाना खाते हैं, उसके बाद चलते हैं मार्केट, मार्केट से कुछ सामान भी लेना है और साथ में जाना है मंदिर भी। आज जी नहा धोकर के हो गए तैयार, रिया भी वहाँ तैयार बैठी है, तो चले मार्केट। चलो मार्केट भी जा रही, मंदिर भी जा रही, दोनों काम हो जाएगा साथ साथ। जी काली मंदिर चलिए, अब चल करके पूजा करते हैं, उससे पहले यहाँ पैर धो लेते हैं, कुआं है, फिर उसके बाद चलेंगे पूजा करने। आ गए मंदिर से घर, उसके बाद जो है अब रिया की जाने की बारी है। जी हाँ रिया आज निकल रही है, तो रिया कल आई और आज जा रही है, कल इसी टाइम में आई थी ना रिया, 24 घंटे हो गए, 24 घंटे हो गए, बहुत ही देर रह गए 24 घंटे, कितने मिनट कितने सेकंड। तो रिया का क्लास है जी और इसका कुछ एग्जाम भी चल रहा है, इसलिए इसको नहीं रोकेंगे अभी, वरना अभी इसको तुरंत जाने नहीं देते। फिर आएगी ना, तो आज जाने तो मेरे मन से, हाँ तुम जब बोलेगे तुरंत आ जाएंगे। ठीक है चलो, जब डिलीवरी हो जाएगा आ जाना, बस उस समय एग्जाम नहीं है। अच्छा बस एग्जाम नहीं है उस समय, वही ना, चलो रिया यहाँ पर बैठ कर फ्रंट सीट में नहीं है, 80 रुपया लौटा है, ले लेना ठीक है। चले यहाँ पर बैठा दिया है, अब सीधा चलते हैं घर। इस पंखे के पार्ट्स की हो गए थे जी सफाई, तो पूरा साफ कर लिया है, और अब ऐसा करते हैं यह जो है सूख भी चुका है, अब इसको सेट करते हैं। हमारा पंखा
सेट हो गया, अब देखते हैं आवाज नहीं करेगी। और अच्छे से ले, और अच्छे से खुशबू ले रहा। नानी ये क्या बना रही हो? ये सठोड़ा बन रहा है और दादा दादी बताएगी तुम्हारी कैसे बनते हैं। दादी इसमें इसमें चीनी और गुड़ और मेवा और तिखूर देसी घी सब डाल करके मिला करके और मिक्स करके इसको बांधा जाता है। अच्छा तो यह था जी हमारे भांजे की बढ़ाई का कार्यक्रम। उम्मीद करते हैं जी आपको यह अच्छा लगा होगा रस्म देखने में। हमें जितना भी समझ में आया जी उतना आपको समझाने की कोशिश की है। हम तो वहाँ पर फिजिकली प्रेजेंट थे नहीं, तो इसलिए हमें जो है उतने अच्छे से आइडिया था नहीं। तो फोन पर मम्मी और नैन्सी दीदी से पूछ करके जो भी एक्सप्लेन करना था आपको एक्सप्लेन किया टेक्स्ट के जरिए। यहाँ पर वॉइस ओवर हमने नहीं दिया, आप लोगों को अच्छे से समझ आए हैं ना। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। हमारे भांजे को खूब सारा आशीर्वाद दीजिएगा कि ऐसे ही वो मस्त रहे और स्वस्थ रहे, और दीदी को भी बहुत सारा आशीर्वाद दीजिएगा आप लोग, क्योंकि अभी आशीर्वाद की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप लोग समझ सकते हैं, बिल्कुल आपकी दुआ की जरूरत है, आपके आशीर्वाद की जरूरी है। दीदी दीदी जो है अभी ऑपरेशन से गुजरी है और उनकी हालत जो है थोड़ा सही भी नहीं थी ऑपरेशन से पहले, और अभी तक तो लग रहा है भगवान की कृपा से सब कुछ सही है। आप लोग दुआ कीजिएगा तो और भी अच्छी रहेगी। तो आप लोग प्लीज दुआ कीजिए हमारी दीदी और हमारा भांजा दोनों स्वस्थ रहे, मस्त रहे। ठीक है जी, अब ऐसा करते हैं इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना नहीं भूले। हमारा कोई वीडियो है सबसे पहले, और हाँ जी वीडियो को एक शेयर तो जरूर कर दे, एक शेयर से बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है, शेयर करना बिल्कुल भी ना। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।